ये बहराइच जिले का वो इलाका है जहां पर विसर्जन के दौरान एक बड़ा बवाल हुआ। उस बवाल की चिंगारी इसी स्थान से उठी थी। उसके बाद लोग इस तरह के आक्रामक हुए कि उन्होंने तहसील परिसर के बाहर शव को रखकर भी प्रदर्शन किया। उन्होंने कई तोड़फोड़ भी की और दर्जनों वाहनों में आग लगा दी। मेरे ठीक पीछे एक वाहन है, पूरी तरीके से इसको जला दिया गया है। कोई भी इसका एक भी पार्ट ऐसा नहीं बचा है जो सुरक्षित बचा हो। वहीं अगर आपको दिखा दें, यहाँ पर एक पिकअप खड़ी हुई है, उसको भी पूरी तरीके से जला दिया गया है। कोई भी स्थान नहीं है पिकअप का जो बचा हो। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दे इस पूरे वाहन को, जिसके पूरे परखच्चे उड़ गए हैं, पूरी आग लगा दी गई है। नीचे के साइलेंसर, टायर, ट्यूब, गद्दी, शायद ही कोई ऐसा स्थान बचा हो जो अब सुरक्षित बचा हो। इस तरह की भयंकर यहाँ पर आगजनी हुई है, जिसको देख कर लोग सहम गए हैं, भयभीत हो गए हैं। ये पूरी की पूरी गाड़ी उसी स्थान पर मौजूद है जहां पर कल आगजनी की घटना को कारित किया गया है। और ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि ये सिर्फ एक वाहन नहीं है, ऐसे दर्जनों वाहन हैं जो वाहन को जला दिया गया है। और मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी बच्चा आपको दिखाई नहीं देगा। आवागमन ठप है, पुलिस फोर्स लगी हुई है, PSC लगी हुई है, कई बाहरी फोर्स भी बुलाई गई हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर घटना कारित हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी ये बवाल कब शांत होता है और अमन चैन फिर से बहराइच में फैलता है। मासी महाराजगंज से लोकल 18 के लिए बिन्नू वाल्मीकि की रिपोर्ट।